आदाब नमस्कार, सहारनपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन, पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आज SBBA भूतेश्वर क्रिकेट ग्राउंड पर जिला अंडर 14 टीम के लिए ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें 225 खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान अध्यक्ष अमर गुप्ता, पाली कालड़ा, परविंदर सिंह, राजकुमार राजू, लतीफ उर रहमान, सैयद मशकूर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित होने वाले सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में सहारनपुर जिला अंडर 14 टीम के लिए ट्रायल हुआ है। चयन समिति चयनित खिलाड़ियों की सूची ट्रायल के बाद एसोसिएशन को देगी और एसोसिएशन की ओर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल ट्रायल मैच 2 दिन के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल मैच कराए जाए, जिससे कि जो प्रतिभा है वो सब सामने निकल कर आ सके। और जैसे ही UPCA से हमें सूचित किया जाएगा तो चयनित खिलाड़ियों को मुजफ्फरनगर या मेरठ, जहाँ पर भी सेकंड राउंड का ट्रायल होगा, तो उनको भेजने का काम एसोसिएशन की तरफ से किया जाएगा। मैं आज जनपद में आज वन विभाग में पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके लिए जिले भर के कई कॉलेजों में सेंटर लगाए गए, जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान प्रशासन द्वारा सभी सेंटरों पर काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। कैसा हुआ आपका? बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, सही हो गया। क्या क्या अच्छी सुविधा थी? क्या हल्का आया पेपर? कैसा आया? मीडियम पेपर आया था ना, हल्का था ना वाला। श्री दिगंबर जैन चंद्र नगर मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय मिजिजिनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन आज यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा चंद्र नगर से शुरू होकर कोर्ट रोड अहमदबाग से होती हुई श्री मंदिर जी में जाकर संपन्न हुई, जिसमें भारी संख्या में जैन समाज के लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का आज 2 दिवसीय 15वां चुनाव अधिवेशन रोटरी क्लब जनमंच परिसर में आयोजित किया गया। इस दौरान शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अधिवेशन में जिला अध्यक्ष सेठपाल, नवाब अली इस्लाम सहित काफी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। आयोजन हुआ, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। उस नामांकन के पश्चात कल हमारा जो है यदि आवश्यक हुआ कल, फिर उसके बाद जो है काउंटिंग की आवश्यकता पड़ी तो काउंटिंग होगी और उसके बाद परिणाम घोषित कर एक खुली बैठक का आयोजन किया जाएगा। ऐसे एक मिनट कागज छोड़ दो जी, बोलो। और उस खुली बैठक में जो भी हमारी जूनियर शिक्षक संघ की समस्याएं हैं या अध्यापकों की समस्याएं हैं उन पर विचार किया जाएगा और आप यहां पधारे उसके लिए बहुत। सर्किट हाउस सभागार में आज राष्ट्रीय कोरी समाज संगठन की एक बैठक का आयोजन डॉक्टर मंगल सेन कोरी पूर्व MLC की अध्यक्षता में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मंगल सेन कोरी ने कोरी समाज को राजनीतिक आर्थिक उत्थान हेतु समाज के संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। बैठक में गंगोह विधायक प्रदीप चौधरी, मेयर संज वालिया, भाजपा नगर अध्यक्ष राकेश जैन सहित काफी संख्या में कोरी समाज के लोग उपस्थित रहे। हमारे आदरणीय और हमारे प्रेरणा स्रोत वो डॉक्टर साहब से मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और बहुत पहले से बहुत परिचित हूँ और उनका जो व्यवहार है
समाज के प्रति, संगठन के प्रति उससे पहली बात ही परिचित हूँ। हमारे बीच में बड़े भाई मेयर साहब प्रदीप चौधरी और सम्मानित सभी समस्त कोरी समाज के बंधु। पहले तो एक अभी मैं से पहले अपने मेयर साहब बता रहे थे, आप इस चीज का अंदाजा कोरी समाज की महत्वता का इस चीज से लगा ले। अभी मुख्यमंत्री जी का आगमन सहारनपुर नगर में हुआ था, तो उन्होंने जब जो उसमें अपेक्षित लोग थे और जिलाधिकारी होते थे, उन्हें सबसे पहले जो उन्होंने पॉइंट रखा सहारनपुर जिले में कोरी समाज के विषय में ही रखा, जो दिक्कत प्रमाण पत्र बनने में आ रही, उन्होंने स्पष्ट कहा डीएम साहब को ये तत्काल दूर कर दिया जाए। पहला विषय और पहला सेंटेंस कोरी समाज के लिए था माननीय मुख्यमंत्री जी का सहारनपुर के अंदर। रोटरी भवन में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा आज समाज हित में कैडर कैंप एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने भगवान वाल्मीकि व बाबा साहब के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। कैंप में सोनू बिरला, संदीप एडवोकेट चौधरी, तिलक राज, विनोद हुकुमचंद, रमेश बिरला भव, रसिंह छोटेलाल, मनोज गांगुली सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये महसूस किया जा रहा है कि समाज से अंधविश्वास को, कुरीति को, अज्ञानता को, कुप्रथाओं को नष्ट करना है, खत्म करना है और समाज को जागरूक करना है, समाज को एक नई दिशा देनी है, शिक्षा की तरफ आकर्षित करना है। क्योंकि आज़ादी के 72 सालों के बाद भी वाल्मीकि समाज आज अपने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राज्य। दिल्ली रोड स्थित ओशो टेंपल पर आज ओझिमा रेड बेल्ट के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें साधकों ने बेल्ट के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और बेल्ट व प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस दौरान उमेश, रोहित, अंकित सांगवान, सागर, राहुल आदि उपस्थित रहे। जो ओझिमा ओशी जैन योग मार्शल आर्ट, एक जो मार्शल आर्ट है ध्यान योग पर आधारित एक जीवन शैली है, तो इसका आज बेल्ट टेस्ट का प्रोग्राम यहाँ ओशोल टेंपल पर हुआ है, जिसमें साधकों को लाठी, जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो, रेसलिंग, योग, मुद्रा, आहार विज्ञान, इन सब चीज़ों के बारे में जो उन्हें सिखाया जाता है उनको यहाँ बताना होता है और उसके बेसिस पे उनका टेस्ट कंडक्ट होता है। जनमंच सभागार में आज आम शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एक मीटिंग का आयोजन चौधरी साहब वीर सिंह की अध्यक्षता में किया गया। मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमा देवी ने कहा कि अंतिम क्षण तक सरकार के साथ संघर्ष किया जाएगा। आज 200 सेकंड ज्यादा दिन धरने को हो गए हैं, किन्तु सरकार भी हुई बैठी है। इस दौरान मीटिंग में जिला अध्यक्ष मुमताज रानी, रफुल सिंह, अरुण शर्मा, रीता, संगीता, बाबा अजमल, योगेश, प्रवीण सहित काफी संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद रहे। से उपस्थित हुई और दुर्भाग्य यह कहूंगी कि संघर्ष जो शुरू हुआ है अभी सिर पे ताज लगा नहीं है और वो कड़ी जिस दिन मुझे मिलेगी वो कुछ नसीबी सादत मुझे कहना नहीं चाहिए। भाई ने अभी कुछ ऐसी बातें कही, मैं वहीं से उठाऊंगी और आपको उस मुकाम तक लेके पहुंचूंगी जिस मुकाम की हर एक भाई बहन को बेसब्री से इंतजार है। पहला शब्द हुआ पालने से पढ़ने, जब परिवार हमारा पालने में पढ़ा, यानी जब शिक्षा मित्र परिवार का जन्म हुआ, जन्म से लेकर और अभी तक हमने जो कुछ पाया है लड़ाई से ही पाया है। एहसास करिए इस चीज का, आप लोग जागरूक नहीं हुए हैं, मैं इस चीज को कहूंगी बखूबी। भाई ने अभी कहा, भाई को शायद मालूम नहीं है कि जिस परिवार को मैंने बना के दिया गाजी ने चलाया, जिस परिवार को मैंने बना के दिया शाही ने चलाया, जिस परिवार को याद नहीं मैं खुद रखी, जब दोनों हार गए तब मैं निकल के बाहर आई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।